मेरा नाम है जी सतनाम सिंह। आप देख रहे हो चहल होलां वाली यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है वो एक एम्पलीफायर की वीडियो है, जिसमें TDA 7294 डबल चैनल, दो चैनल वाला ये एम्पलीफायर है, जिसमें TDA 7294 दो IC लगे हुए हैं। 10 इंची स्पीकर बजाने के लिए बढ़िया सर्किट है। इसमें क्या प्रॉब्लम आई उसके बारे जानेंगे। इसके मॉस्फेट भी सही है, सप्लाई बन रही है, जैसे आपने देखा है इसमें सप्लाई आ चुकी है। 12 वोल्ट मैंने इसको जोड़ दिया है, 12 वोल्ट का एम्पलीफायर है, ट्रैक्टर गाड़ी में चलने के लिए है। इसमें सप्लाई भी बन रही है, जो 30.0.30 पर इसका IC जो है 7294 वो चलता है, नेगेटिव और पॉजिटिव सप्लाई पर मॉस्फेट सही होने के, IC सही होने के बावजूद भी इसके आउटपुट नहीं दे रहा। आउटपुट ना देने की क्या कारण है वो भी देखेंगे। ये कहीं दूर से एम्पलीफायर आया मेरे पास, पहले किसी आदमी ने इस पर ट्राई किया, मैंने इसीलिए वीडियो बनाई, उसको इसका कारण नहीं मिला। अब इसको ठीक करेंगे कैसे होता है, और भाइयों को जानने के लिए ये वीडियो को शेयर और लाइक और शेयर करो। इसमें ये देखो, ये जो सप्लाई के लिए LED लगा हुआ है, इसमें 15 वोल्टेज पॉजिटिव आने चाहिए, क्योंकि इसमें जो बास्टर लगा है उसमें जो, जैसे आप जानते हो 4558 IC होता है, उसको नेगेटिव और पॉजिटिव सप्लाई ज़रूर चाहिए, इसीलिए वो चल पाएगा। इसमें AC में यही कारण है, इसमें जो नेगेटिव 15 वोल्टेज बन रहे हैं वो नहीं पहुंच रहे वहां पर। अभी मल्टीमीटर है, उसको 20 वोल्ट पर रखेंगे। पहले मैंने 200 वोल्ट पर रखा है, इसकी जो सप्लाई मेन है वो आप देख रहे हो बन रही है, लगभग 60 वोल्ट के आसपास इसकी जो सप्लाई है वो बन रही है, जैसे 30 नेगेटिव भी बन रही है और पॉजिटिव भी बन रही है। 28 के आसपास है, 30 ही मान लेते हैं। आगे इसकी जो सप्लाई है, जिस जहाँ पर एम्पलीफायर जैसे छोटा IC लगा होता 4558, उसको नेगेटिव और पॉजिटिव वोल्टेज चाहिए, वहाँ पर देखते हैं 15 नेगेटिव और 15 पॉजिटिव बनते हैं, जैसे आपने देखा है वोल्टेज है। इसमें जो पॉजिटिव वाली वोल्टेज है वो नहीं बन रही, उसके लिए इसका जो जनरल डायोड है, ये देखो ये जो मेन सप्लाई हो तो आ रही है, लेकिन जो इसका जनरल डायोड है वो काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से ये एम्पलीफायर ऑडियो नहीं दे रहा। अब इसका जो जनरल डायोड है उसको निकाल कर जनरल डायोड नया लगाएंगे। एक छोटी सी कंपोनेंट में प्रॉब्लम आने से पूरे का पूरा जो एम्पलीफायर है वो साउंड छोड़ गया। अब इसकी जगह नया जनरल डायोड लगाएंगे जो 15 वोल्टेज का लगेगा। इसका डायरेक्शन ज़रूर देख लो, कहीं उल्टा ना पड़ जाए अच्छा से। सोल्डर करने के बाद जो फालतू का है वायर उसको काट देंगे। अब इसको देते हैं पावर सप्लाई। अब मैंने पावर सप्लाई जोड़ने की, देखो ये पावर आ गई। आगे जो इसमें ग्रीन LED नहीं जलता था वो अब जलने लगा। इसकी जो छोटी सप्लाई है 15.0.15 वाली वो भी ऑन हो चुकी है, अब भी चलेगा सही। आप समझ ही चुके हैं, छोटा सा कारण था लेकिन ऑडियो पूरी इसकी बंद हो चुकी थी। देखो इसके जो है जैक है उसको लगा देते हैं। अब इसको जोड़ते हैं पेन ड्राइव से, मेरे पास ये पेन ड्राइव है। अब इसकी सुनते हैं आवाज़। आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।